एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर हीलर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत कुछ है, वेबसाइट पे देख सकते हैं। द प्राइमरी थिंग्स आई फोकस अपॉन। अगर आपको मुझसे कुछ सलाह लेनी, गाइडेंस लेना, साइकिक रीडिंग्स करवानी है, तो भी आप मुझसे कॉल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। यहीं पर व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, यहीं पर डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो एंड वेबसाइट पे भी कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक इधर है। एंड थर्डली, अगर आपको कोर्सेज सीखने हैं तो courses.healingbills.in पर भी आप लॉग इन कर सकते हो। तो आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ आप किसी भी एक विश के लिए, जिस वन लाइनर एफर्मेशन होना चाहिए, उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ की पर्टिकुलर एक विश के लिए, एक विश के लिए, जस्ट वन विश, जहाँ पर हम रेगुलर अपनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकें फॉर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, और हम उसकी वाइब्रेशन को यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है, बहुत चीज़ों को देखने समझने के बाद। एज पर माई डाउनलोड, मैंने आपको पास्ट में बताया था कि जो कलयुग था, जिस कारण पाप का अस्तित्व, जिसे नाम दिया गया था यूनिवर्स के लैंग्वेज में, वो मर चुका है। नो no, मतलब क्या कहें, एग्जिस्टिंग नहीं है। तो इमोशंस विल चेंज ग्रेजुअली, इट टू टेक मेनी ईयर्स चीज़ों को यहाँ पर इस फ्रिक्वेंसी पर चेंज होने में। बैड थिंग्स विल डिक्रीज, अभी तो नहीं, टाइम लेगा, धीरे धीरे इट विल डिक्रीज। इन चीज़ों को बहुत कुछ देखते हुए यूनिवर्स में एक चीज़ बहुत सुंदर रिलीज की जा रही है, चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी में। इट विल टेक अबाउट 3 ईयर्स टू मैनिफेस्ट इन दिस वर्ल्ड। अभी से ही काम शुरू हो चुका है, दैट इज रिलीजिंग द बिलीव सिस्टम। हम परेशान होते रहे अपने बिलीव सिस्टम से, दैट यूनिवर्स बिलीव सिस्टम पे वर्क हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसी एनर्जी क्रिएटिव हो रही है कि हम जो बिलीफ के कारण मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं लाइफ में, या फिर बिलीफ के कारण लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बीइंग अ पास्ट लाइफ हीलर, आई हैव नोन दिस कि लोग ज़्यादातर कर्म से नहीं, पैटर्न से परेशान हैं। एक लाइफ में कुछ हुआ, उसका पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गया है एंड वो लाइफ बाई लाइफ आपके साथ चल रहा है। तो कर्म नहीं था, लेकिन मतलब कर्मा वो रिलीज हो गया, चलो मेरा काम खत्म हो गया, कुछ हुआ होगा, इट्स रिलीज, बट हम उसको लेकर अभी तक चल रहे हैं, इट्स समवेयर इन योर सोल। तो ये क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है जो आपको प्रोग्राम कर देता है उस पैटर्न को जीने के लिए। तो क्योंकि अब एक ऐसा समय आ रहा है, हालांकि अब प्रलय स्टार्ट हो रहा है, मेरी डाउनलोड्स आई हैव, मैं एक दिन फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं डाउनलोड्स पर ही बात करूंगी, देयर आर मेनी डाउनलोड्स, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स में फिर से, बिकॉज नेक्स्ट 100 ईयर्स प्रलय का समय है, देयर आर मेनी थिंग्स, आई विल लेट यू नो। तो इस मीडियम में, इस टाइम पे अब वो चीज़ें आने लगेंगी जो चाहिए था एक्चुअली में यूनिवर्स को। यूनिवर्स को तो पाप को रिलीज करना था, हुआ नहीं, बट वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आया था, हाउएवर, बट अब वो अगर ख़त्म हो गया है तो बहुत कुछ चेंज कर रहा है, जिसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। बिकॉज द प्राइमरी गोल ऑफ द यूनिवर्स इज कि हमें, मानव जो हैं उनकी श्रेष्ठ रचना थे, राइट, क्रिएटर की श्रेष्ठ रचना थे मानव। तो हम मानव इतना उलझे क्यों हैं, हमने बुरे कर्म किए उसके बदले तो हमें भुगना होगा, ये सही है, लॉ ऑफ कर्मा ऐसा होना चाहिए। हमने अगर नहीं किया तो हम भी लाइफ बाय लाइफ परेशान हैं ही क्यों। मुझे भी ऐसा लगता ना, कुछ तो कर्म होगा मेरी प्रॉब्लम में, मैं खुद को लेकर भी सोचती थी, बट आई हैव सीन दिस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ जस्ट अ पैटर्न। किसी के दुख को देख के मैंने अगर दिल में बसा लिया, दैट केम इन टू माई पैटर्न, कि हाँ मेरा इस लाइफ तक भी था, अगर कोई बहुत दुखी है, आई यूज टू गेट वेरी इमोशनल, तो मैं ही दुखी हूँ, दैट आई बिल्ट अ पैटर्न। तो हम जब किसी के दुख को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगते हैं ना, तो वी बिकम द सफरर, हम भी ऐसे सिचुएशन लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ठीक है, इस टॉपिक को मैं अलग अलग सेगमेंट्स में शेयर करूँगी, एक ही में बहुत ज़्यादा बता के फ़ायदा नहीं है, इट्स विल बी अ लॉन्ग वीडियो। सो कॉन्सेंट्रेटिंग, कि इन चीज़ों से निकलने के लिए सिंपली, जब बिलीफ सिस्टम भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम क्या करें कि बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाए, दैट इज़ क्रिएट अ वन लाइन एफर्मेशन। मनी इश्यूज है द सिंपल बेस्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है इस एक एफर्मेशन की, आई एम अ मनी मैग्नेट, बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है। नेवर न्यू कितनी हाई, इतना 4 शब्द का ये लाइन इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है लाइफ में। इवन यू कैन राइट दिस फ्रीक्वेंसी, आई एम अ मनी मैग्नेट फ्रीक्वेंसी विल बी 2839 meter hertz। ठीक है, इस चीज़ को अपनी बॉडी पे लिख सकते हो, अफर्मिंग आई एम अ मनी मैग्नेट ऑन योर लेफ्ट साइड, एंड ये आपको एनसर्कल कर देना लिख के, तो मनी मैग्नेट बन जाओगे, इट विल मतलब आपको वाइब्रेशन क्रिएट होगी मनी मैग्नेट बनने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी सिंगल डे इस एक एफर्मेशन को ले लो एंड अ गो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट अफर्मिंग आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, या बिलीव थॉट्स इमोशंस डज नॉट मैटर्स। बहुत पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था जहाँ पर मैं मेरे बेटे को कहा करती थी, मैं बहुत खड़ूस हूँ, परेशान मत किया कर। फॉर अ मंथ, कभी कभी व्हेन आई यूज्ड टू गेट एंग्री अपॉन हिम, बहुत नॉटी था उस टाइम पे,
तो वॉट हेट इट मैनिफेस्टेड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में सिचुएशन आने लगे, मैं रियली मैं हूँ एंगर इश्यूज होते थे मुझे, आई कंट्रोल अपॉन माई सेल्फ बाई फॉर्मिंग माई सेल्फ थ्रू वॉट एफ इमेशन, मुझे गुस्सा बहुत आता था बट इतना भी नहीं आता था कि मैं किसी से लड़ूँ, कुछ ऐसा होता था तो ही लड़ती थी बट एट दोज टाइम्स अचानक से सिचुएशन ऐसे लोग ही अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मुझसे सुनेंगे, अब सुनेंगे मेरा मूड खराब बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी एंड हैप्पी एंड जॉली, ये वाला नहीं चाहिए गुस्सा सा फ्रिक्वेंसी चाहिए नहीं था। तो आई सडनली गॉट दिस कि मैंने जो लगातार एक महीने में बार बार रोज रोज को जो गुस्से में ही कहती थी कि मैं बहुत खड़ूस हूँ मैं दिमाग मत खराब किया कर, इट चेंज द एटमॉस्फेयर, मैंने तो कोई इमोशन नहीं जोड़ा, मैंने कोई बिलीफ नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, बट इट वर्क्ड बिकॉज मैं एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी एंड दैट वाज जस्ट अ मंथ समटाइम्स। तो डिपेंड्स कि आपकी वाइब्रेशन कितनी हायर है तो आप कितनी जल्दी इसी शब्द को बार बार मैनिफेस्ट कर लेते हो। सो इफ़ यू थिंक समथिंग यू आर अनएबल टू मैनिफेस्ट, सिंपली मनी चाहिए तो आई एम अ मनी मैग्नेट, इफ़ यू थिंक आपकी लाइफ में प्यार नहीं है आई एम अ लव मैग्नेट, ठीक है, इफ़ यू थिंक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ही इज़ माई सोल मेट ऑलवेज, जिसे आपको सोल मेट प्यार चाहिए जिस रिलेशनशिप में, ऑलवेज अफर्म दैट पर्सन एज अ सोल मेट, क्योंकि वही आपका सच्चा पार्टनर हो सकता है जो आपका एक सोल मेट हो, यानी आपको आपकी आत्मा के करीब हो, आपकी आत्मा का सिर्फ भला चाहता है तो आपको सुख ही देता है। तो ही इज माई सोल मेट, शी इज माई सोल मेट, अफर्मिंग दैट पर्सन्स नेम, आई एम वेरी हेल्दी, आई हैव हेल्दी लिवर, इन केस ऑफ योर हेल्थ जो भी आपको इश्यू है आई एम वेरी हेल्दी, इस चीज़ को 51 टाइम्स ऑन अ कॉन्स्टेंट गो यू विल हैव टू अफर्म टू क्रिएट अ फ्रिक्वेंसी जो आपको सीधे मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी से अलाइन कर सकती है। I am a money magnet. You can count on your hands. I am a money magnet. 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 ऐसे करते 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 51 times at least. ज़्यादा हो सकता है, कम मत करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करनी है. At least for 51 days you will have to do this and the release हो गया. Released. 51 days तक हमने 51 time एक ही affirmation पर काम करते चले गए and then छोड़ दिया universe पे. I have done my work. Many of the times 21 to 30 days के अंदर ही, even before, depends again on your vibration, even before ये चीज़ आप में बहुत कमाल लेकर आएगी, money लाने के आपको different perspectives मिलने लगेंगे, if you are jobless you may start getting offers, if you feel that occupation में भी better हो रहा है, it's creating good vibration in your life, उसे और affirm कर सकते हो, if you think, if you feel कि नहीं मुझे कुछ और दिन करना है, कर सकते हो, but not lesser. 51 times in 51 days, make it a rule, कहीं लिख लो अपने सामने, ठीक है, एनी टाइम, क्योंकि एक बार दो बार भी कर लो कि दैट्स एनफ, गिव टाइम, ठीक है, फोकस, इफ यू डोंट हैव, यू आर नॉट गेटिंग ऑफर्स फॉर जॉब, मैनिफेस्ट अ जॉब, आई हैव अ परफेक्ट जॉब, ठीक है, यू हैव दैट इंटेंशन, सोच लो मुझे जॉब कहाँ चाहिए, कैसे एटमोसफेयर में चाहिए, ठीक है, दैट इज़ योर विजन, ये मेरा परफेक्ट जगह है, मुझे परफेक्ट, यही है मेरा डी जॉब, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, यू नॉट गेटिंग प्लेस, यू नॉट गेटिंग स्पेस, बिजनेस चल नहीं रहा है, जस्ट यू कैन कीप एन इंटेंशन कि ये ऐसा जॉब मुझे चाहिए, ऐसा बिजनेस मुझे चाहिए, इतना मेरा सेल हो, इस चीज़ में मैं और प्रोडक्शन कर पाऊँ, ऐसी चीज़ों को, एंड देन सेट, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन, बींग अ यूट्यूबर, इवन आई थिंक आई मैनिफेस्ट यूट्यूब नाउ, आई एम अ यूट्यूब स्टार, सिंपली इसको हम डेली 51 टाइम्स 51 डेज तक रोज अफर्म करेंगे, हमारी वाइब्रेशन मैनिफेस्ट होने के लिए बहुत ऊपर जाने लगेगी एंड दैट विल क्रिएट रियली वेरी गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो जब हम कामयाब होने लगते हैं तो हमारी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी आने लगती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, कभी किसी के बुरे के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना, वी हैव सीन समथिंग, बींग कनेक्टेड टू द यूनिवर्स यू कैन सी मेनी थिंग्स वॉट इज हैपनिंग ऑल्सो अराउंड, कभी किसी बुरे के लिए नहीं करना, क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसीज की जो इश्यूज़ हुई थी ना कि बुरा भी कोई करे तो मैनिफेस्ट होता है, इट विल बी नॉट दैट इजी नाउ, दैट विल बी रिपेइंग ऑफ कर्मा हो सकता है बट नॉट लाइक दैट, बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज डू फॉर योर गुड, अपने गुड के लिए कोई इसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम वेन यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, वेन यू आर वाइब्रेटिंग विथ यूनिवर्स, वेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, आप कभी भी दूसरे का बुरा तो करोगे नहीं, सिर्फ अपना अच्छा करोगे, अपना अच्छा करने में दूसरे का बुरा कभी होना नहीं चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड देन आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप इतनी सुंदर हाई होने लगेगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने लगोगे। आई होप कि ये टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी, सुनने में छोटी लगती है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसे बस आप डेली करना शुरू कीजिए, 51 डेज के अंदर आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगेंगे। जो लोग की थॉट्स पॉजिटिव नहीं हो पाती है एंड यू आर नॉट वेरी मच इनटू एनी थिंग कि हाँ मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, घर बेचना है, ये बेचना है, पता नहीं अलग अलग केसेस आते हैं, कंसल्टेशन आते हैं, दिमाग बहुत सी चीज़ होती है, किसी को अपना दुकान बेचना होता है, किसी को घर बेचना होता है, तो हीलिंग करा दीजिए वगैरह में आप एफर्म कर सकते हो।
माय हाउस इज, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, यार आई हैव अ हैबिट जस्ट टू रिपीट अफर्मेशंस इन इंग्लिश, मैंने शुरू से कहा है, तो डू इट इन योर लैंग्वेज. लैंग्वेज मेंटेन नहीं, मतलब नहीं रखता लैंग्वेज का. सारे लैंग्वेज यूनिवर्स से ही आए हैं, सब यूनिवर्स से डाउनलोड हुआ, किसी ने डाउनलोड किया है लैंग्वेज एंड पीपल हैव नोन दैट लैंग्वेज. इट कैन बी एनी लैंग्वेज, आपकी इंटेंशन क्या है, दैट्स वॉट मैटर्स. ठीक है, बस 51 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी उसको मेंटेन कर लीजिएगा एंड द यूनिवर्स विल बी ऑल विथ यू. बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, ऑलवेज थैंक. आप लास्ट में थैंक यू कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू. जब 51 टाइम्स कंप्लीट हो जाता है, आई लाइक थैंकिंग यूनिवर्स. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अ न्यू थिंग, आई डिडंट डिड दैट, अ न्यू डाउनलोड अगेन, कि हम लास्ट में थैंक यू करेंगे. आई विल एड इट टू माई सेल्फ, मैं भी ऐसा करूँगी, आप ही करिए. एंड लेट्स मैनिफेस्ट टूगेदर. तो अगर मैनिफेस्ट आप लोग करने लगते हो तो इस यूट्यूब वीडियो को पे आप कमेंट जरूर करके बताना, जिससे लोगों को हौसला आता है कि यार दिस इज़ वर्किंग गुड, और आप करेंगे ज़रूर. तो मेरी इसको सब्सक्राइब भी करो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ाओ, शेयर वगैरह करो. ठीक है, लाइक कमेंट एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, आई बी कनेक्टेड टू यू डायरेक्टली. तो कुछ अगर इशू ऐसा होता है पब्लिक जिसमें आप बात कर सकते हो, आई गाइड यू. प्राइवेट के लिए फिर कंसल्टेशन आप ले सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर.